हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज संडे है और अभी विंटर की मतलब शाम बहुत जल्दी हो जा रही है। मैं सो ही हुई थी एक्चुअली, और अभी मैं बेड नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये देखिए, रजाई वगैरह सब इधर में है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, तो अभी मैं सोने ही वाली हूँ, मतलब अभी तो लेटे ही रहना है मुझे, क्योंकि मेरी कल से ना थोड़ी सी पीरियड है। तो थोड़ी सी नहीं, पूरी पूरी पीरियड है। मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ी सी पीरियड है, पीरियड में मैं हूँ कल से। तो कल तो मैं सोई हुई थी और आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो आज भी मैंने बेड अभी तक छोड़ा नहीं है, बाद में छोड़ूंगी। और कुकिंग वगैरह सब सुमन जी ही देख रहे हैं पूरा। और मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी मेरा एक्सपीरियंस आफ्टर मिसकरेज, मैंने किस तरह से कैसे अपने आप को बैलेंस किया और कैसे मैंने सही तरह से पीरियड में अपना टेक केयर किया। क्योंकि मिसकरेज के बाद ऐसा कहा जाता है और ऐसे कई सारे केसेस देखे जाते हैं जहां पर लोगों को इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, पीसीओडी या पीसीओएस जैसी बीमारियां आ जाती है शरीर में, और आपका जो गाइनो ओवरऑल हेल्थ है वो बिगड़ जाता है, संतुलन सही नहीं रहता है, क्योंकि आपके शरीर में इतना सब कुछ हो चुका है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। आपका काफ़ी सारा डिसऑर्डर जो कि पहले नहीं था आ सकता है, लेकिन मुझे अभी तक आया नहीं है। ऊपर वाले की दया से, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ है और मैं बिल्कुल सही पीरियड से होकर गुजर रही हूँ। तो जब मुझे मिसकरेज हुआ था उसके बाद मुझे डॉक्टर ने कुछ सलाह दी थी कि मिसकरेज के बाद ये सारी चीज़ें हो सकती है, जनरली बहुतों के साथ होता है। तो अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट और उससे भी परे मैंने बहुत सारा स्टडीज़ किया और इस मामले में मैंने थोड़ी सी जो है इंफॉर्मेशंस भी कलेक्ट किए, तो मुझे कुछ चीज़ें का पता चला। और शुरू से ही मैं कुछ चीज़ों का ध्यान रख कर चलती हूँ, इसलिए मुझे पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स अभी तक आए नहीं हैं और खुलकर मुझे नॉर्मल बिल्कुल जैसे एक स्वस्थ महिला को पीरियड आने चाहिए बिल्कुल वैसे ही आते रहते हैं। तो फर्स्ट ये है कि मिसकरेज के बाद आपका जितने दिन तक प्रेगनेंसी रहेगी उतने दिन तक ये नॉर्मल है, पीरियड आपको नहीं आएंगे। मतलब अगर आप 2 महीने के लिए प्रेग्नेंट थी तो 2 महीने के बाद आपके पीरियड्स आएंगे, अगर आप इससे ज़्यादा टाइम के लिए प्रेग्नेंट थी तब तो आपको मतलब आपका जो मिसकरेज है वो नेचुरल मिसकरेज जो कि मेरा हुआ था वैसा तो होता नहीं। मेरा 2.5 महीने के करीब नेचुरल मिसकरेज घर पे ही हुआ, मुझे हॉस्पिटल जाने की वॉश करवाने की ज़रूरत नहीं हुई, ये भी विद द ग्रेस ऑफ लड्डू गोपाल, विद द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ सही रहा। तो 2.5 महीने के बाद ही मेरे पीरियड्स आए थे। और ऐसा होता है कि नेचुरल मिसकरेज बहुत कम रहता है, मतलब घर पे ही हो जाता है, ऐसा नहीं है। जनरली आपको हॉस्पिटल जाके या तो करवाना पड़ता है या मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, मेडिकल मिसकरेज होता है या सर्जिकल मिसकरेज करवाया जाता है। नेचुरल जिनका होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स दे आर लकी, क्योंकि उनको सर्जिकल प्रोसीड्योर से जाना नहीं पड़ता है या कोई भी मेडिकल प्रोसीड्योर से नहीं जाना पड़ता है कि दवाई लेकर के ज़बरदस्ती उसको निकाला जा रहा है, ऐसा नहीं करना पड़ता है। तो जितने दिन तक शुरुआत में फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो प्रेगनेंसी की होती है यानी पहला 3 महीने, तो उसी में अगर आपकी मिसकरेज हो जाती है तो बस उतने ही महीनों के बाद आपका नॉर्मल पीरियड्स आ जाना चाहिए। और मैक्सिमम नॉर्मल पीरियड्स आने का ड्यूरेशन रहता है 4 से 6 हफ्ते, तो 4 से 6 हफ्तों के अंदर आपके नॉर्मल पीरियड्स आ जाने चाहिए। तो 6 ही हफ्तों के कुछ दिनों के अंतराल में मेरे नॉर्मल पीरियड्स बिल्कुल आ ही गए थे, अच्छे से खुल कर ही आए थे। हाँ, डॉक्टर ने ये मुझे सजेशन दिया था कि आपके जब नॉर्मल पीरियड्स आएंगे तो हो सकता है ज़्यादा पेनफुल हो, ज़्यादा फ्लो हो और पीरियड का जो फ्लो है वो थोड़ा सा हेवी रहेगा, और जितने दिन तक पीरियड होता है उससे एक आध दिन ज़्यादा भी हो सकता है। तो मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या कि जब मुझे पहले पीरियड आया तो मेरा फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा ही था, मैंने डॉक्टर से बात भी की थी तो सब कुछ नॉर्मल था, कुछ डरने वाली बात नहीं थी।
अच्छा, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ये है कि ड्यूरिंग पीरियड शुरू से ही जिनको अर्ली पीरियड्स आए हैं, जैसे मुझे क्लास 5 में पीरियड्स आया था, मैं क्लास 6 में जाने वाली थी, क्लास 5 में मुझे 5th स्टैंडर्ड में पीरियड आ गया था। तो इनके साथ क्या होता है ना कि इनका जो मेन्यूपॉज का सिस्टम है वो भी अर्ली हो जाता है। तो मेरे साथ भी शायद ऐसा कभी जब मैं उस स्टेज में उतने सालों के बाद पहुंचूंगी तब शायद होगा, पता नहीं है अभी तो मुझे ये सब कुछ। लेकिन मैंने क्या किया था, शुरुआत से ही कुछ चीज़ें बहुत ध्यान में रखकर चलती थी, जैसे कि पीरियड के टाइम में हेयर वॉश, हमारे ये जो हेयर्स हैं ठीक है, इनको पीरियड के दौरान आप वॉश करें कि नहीं करें। तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो आपको सजेशन देंगे मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग कि हाँ आप हेयर वॉश कर लो, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन आयुर्वेद में जो रजस वाला उपचार है उसमें ये कहा गया है कि पीरियड के दौरान आप अपने हेयर को वॉश नहीं कीजिएगा पहले 3 दिन के लिए। पहले 3 दिन के लिए अगर आपने हेयर वॉश किया तो ये पूरे शरीर को इफ़ेक्ट करता है, मतलब जो ठंड वाटर से आप हेयर वॉश करती है तो आपका शरीर ठंड हो जाता है, हेयर वॉश के बाद आपको आराम मिलता है। लेकिन इसके बाद आपके शरीर में जो पीरियड का फ्लो है वो जमने लगता है और आपको मोटे मोटे क्लॉट्स आएंगे, और उन मोटे मोटे क्लॉट्स की वजह से आपका जो फ्लो है वो धीरे धीरे रुकेगा, नॉर्मल नहीं रहेगा, कम पीरियड्स आने लगेंगे, शरीर में तकलीफें होंगी, बाद में जाकर फर्टिलिटी इशू भी हो सकती है, पीसीओडी पीसीओएस हो सकते हैं, गायनिक रिलेटेड इश्यूज प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सिस्ट बन सकती है शरीर में। तो जब भी पीरियड्स आए, गर्मी के दिन में बहुत तकलीफ हो रही है, घर में कूलर या एसी अगर नहीं है तो आप क्या कीजिए, हल्का सा ऑयल लीजिए, हेयर ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करती हैं, हल्का सा उसमें 1-2 चम्मच पानी लीजिए, उसको घोलिए और जस्ट यहाँ पर सेंटर में हल्का सा बस मसल दीजिए, पूरे हेयर को वॉश मत कीजिए। और गर्मी के अलावा जब विंटर रहेगी, अभी जैसे विंटर है, जब रेनी सीजन रहता है, तो वैसे टाइम में आप बिल्कुल हेयर वॉश पहले 3 दिनों तक नहीं कीजिए। 3 दिन हो जाएगा, 4th डे यानी 4th दिन पर आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल शैम्पू से हेयर वॉश करना है, ठीक है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये सब मान के चलना पड़ता है। सेकंड है डाइट। पीरियड के दौरान आपको कई रंगों की तरह तरह के फलों का सेवन करना है। तो पीरियड के दौरान मैं बचपन से ही फल ज़्यादा खाती हूँ, मैं बहुत ही बड़ी फ्रूट लवर रही हूँ बचपन से ही, विच इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड विच इज़ अ वेरी रेयर क्वालिटी इन वीमेन, की लड़कियाँ अक्सर फलों को अवॉइड करती है, ये फल नहीं अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे फल हमेशा ही पसंद है। हाँ, संतरा, ऑरेंजेस जो कि विटामिन सी का रिसोर्स है, पीरियड में खाना बहुत ज़रूरी है, वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं है, बिल्कुल भी थोड़ा भी पसंद नहीं है। तो सुमन जी क्या करते हैं, उसका जूस बना करके मुझे दे देते हैं ताकि वो पल्प मेरे मुँह में ना आए, मुझे ऑरेंजेस के जो पल्प रहते हैं उससे सख्त नफरत, पसंद नहीं है, तो जूस बना कर मैं पी लेती हूँ। और विटामिन सी रिच जितने भी फ्रूट्स हैं, जैसे अमरूद हुआ, जैसे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नींबू रही, तो विटामिन सी रिच वाले जितने भी फल हैं, आंवला वगैरह, ये सब आप ले सकते हैं। तरह तरह के रंगों के फल लीजिए पीरियड्स में, जैसे आपका पोमीग्रेनेट, अनार बोलते हैं, उसको लीजिए पीरियड में। पीरियड में फलों का सेवन और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में कर लीजिए। पीरियड्स में कुछ जंक फूड जैसे पिज्ज़ा बर्गर खा लिए, ये सबसे बचिए, पीरियड्स में ना खाइए। और वाटर इंट्रेक, अपने आप को डिहाइड्रेट शरीर को रखना बहुत ज़रूरी है, डिहाइड्रेटेड शरीर से आपको फ़ायदा मिलेगा, तो यूरिनरी सिस्टम जो है आपकी सही रहेगी, आपकी यूरिन जो पास आउट होती है शरीर से, वाटर इनटेक सही रहेगा तो वो भी सही तरह से चलेगा। तो पर्याप्त मात्रा में पानी पी लीजिए ड्यूरिंग पीरियड, ज़्यादा नहीं पीना है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एक ही बार में 5-6 लीटर पी लेना है, दिन में एटलीस्ट 3-4 लीटर पानी पीरियड के टाइम में पीना बहुत ही मैंडेटरी रहता है, उसको पीजिए। 8 आवर्स स्लीप्स तो हमेशा चाहिए, 8 आवर्स स्लीप अभी नहीं, थ्रू आउट द ईयर ही हमेशा ही 8 आवर्स स्लीप चाहिए ही होता है, 8 घंटे तो सोना ही रहता है सभी को। अच्छा, पीरियड के दौरान जिनको क्रैम्स आते हैं, बहुत पेन होता है, जैसे मुझे पहले दिन पीरियड के पहले दिन पीरियड होते ही थोड़ा बहुत पेन,
और जो क्रैम्स आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा क्रैम्स आते हैं, पीरियड्स का पेन बहुत ज़्यादा हेवी रहता है, जैसे कि मुझे पहले दिन पीरियड के शुरुआत के दिन में कुछ घंटे क्रैम्स रहते, पेन रहता है पेट में, उसके बाद सही हो जाता है, तो 1.5-2 घंटे के बाद सही हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज है, मैं बताती हूँ आपको, इसको इस पोस्चर को अगर करते हैं तो बहुत ही आपको आराम मिलने वाला है। गाइज मैं बेड पे ही दिखा रही हूँ, जनरली लोग मैट बिछा कर अच्छा से आराम से फर्श पे दिखाते, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंड है और मुझे इस पीरियड में ज़्यादा ठंड बॉडी में इंटेक नहीं करनी है। परेशानी होने से मुझे घर में देखने वाला कोई नहीं रहता है, हम और हस्बैंड ही रहते हैं, इसलिए बेड पे ही दिखा रही हूँ, डोंट माइंड। तो ऐसे बैठना है और ऐसे अपने पैर के दोनों तलवे को ऐसे फिक्स कर लेना है और ऐसे डीप ब्रीथ करना है। इस तरह से कर सकते हैं आप बिल्कुल 5-7 मिनट के लिए। एक और सेम ऐसे ही सिमिलर वाला पोस्चर है, उसमें क्या करना है, सेम ऐसे ही दोनों पैर के तलवों को लॉक करना है और इस तरह। खाने पीने को लेकर जो लोग पूछ रहे थे कुछ दिन पहले कि नॉनवेज खा सकते हैं कि नहीं पीरियड के दौरान, एग खा सकते हैं कि नहीं, तो हाँ एग आप लोग खा सकते हैं। जैसे मैं बहुत ज़्यादा एग लवर हूँ, चिकन लवर हूँ, नॉनवेज मुझे बहुत पसंद है, फिश लवर उतनी ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन चिकन एग तो हमेशा बनते ही रहता है हमारे किचन में। तो ड्यूरिंग पीरियड आप लोग ले सकते हो एग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चिकन को भी ले सकते हो, लेकिन वो मसालेदार जो रेस्टोरेंट वाली खाना है, जो कि बटर चिकन मसाला हो गया या कुछ मसालों का आइटम अगर जो है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए ड्यूरिंग पीरियड, क्योंकि पीरियड में वैसे ही हमारा जो हाजमा होता है, ओवरऑल डाइजेशन सिस्टम होती है, वो वीक रहती है, पेट अंदर से बहुत गर्म रहता है पीरियड के टाइम में, तो उतने गर्म पेट में अगर आप फिर से कुछ गर्म डालोगे तो आपका जो है लूज मोशन आ जाएगा। जैसे मेरे बॉडी की टेंडेंसी ऐसी है कि पीरियड के शुरू होने से एक दिन पहले मुझे थोड़ा सा लूज मोशन आएगा, थोड़ा सा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे सुबह उठ के मैं देखूंगी कि मेरे पीरियड्स आ गए। तो ये शुरू से बचपन से ही मेरे बॉडी की ऐसी टेंडेंसी है, यही मतलब ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कुछ बातें जो आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो मैं छोटी छोटी बच्चियों का जो पीरियड होता है उस फेज से मैं भी गुजर चुकी हूँ, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 टीनेज गर्ल्स, उनका पीरियड शुरू होता है। तो मम्मी लोग क्या करती है, आजकल बच्चे थोड़ा ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, थोड़ा पिज्ज़ा वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं, सभी लोग बहुत बिजी है, घर में बनाएगा कौन, वर्किंग वुमेन होती है माए सारी, मैगी नूडल्स चाउमीन, बाहर की चिप्स और बाहर की पिज्ज़ा बर्गर इंटेक बच्चों के खाने में भी ज़्यादा हो जाता है। ये कोई गलती किसी पर हम लोग नहीं थोप सकते हैं कि इसने ऐसा किया इसलिए हुआ, ये टाइम की गलती है, ऐसा समय आ चुका है, इस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कि सबको अपना अच्छी जिंदगी संवारना है, सबको अपना अपना बनाना है, तो इसलिए टाइम बहुत कम रहती है, कौन बनाएगा। तो बच्चे जो खा लेते हैं ये सब चीज़, तो इसका गलत असर बिल्कुल गाइनो हेल्थ पे पड़ जाता है, गाइनिक की जो बीमारियां है वो बहुत कम एज से ही लोग फेस करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों की माएँ जो होती हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, हम यूट्यूबर्स और क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, तो रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपने बच्चियों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने से ना इस डॉक्टर उस डॉक्टर इस दर पे उस द्वार पे मत घुमाइए प्लीज़। डॉक्टर डॉक्टर बच्चियों को घुमाना सही प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हर डॉक्टर अपनी तरह से हार्मोन के कुछ सप्लीमेंट्स दे देंगे छोटी बच्चियों को, कुछ भी दे सकते हैं। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ किसी डॉक्टर की, मेडिकल साइंस को भी मैं छोटा नहीं कर रही हूँ, मैं इक्वली रिस्पेक्ट करती हूँ मेडिकल साइंस को, लेकिन फिर भी एक छोटी बच्ची जिसने इस स्टेज में कदम रखा है कि उसको रजस वाला होने की तो किसी को भी आदत नहीं है, वो नए दौर से गुजर रही है, नए फेजेस देख रही है अपने लाइफ में, पीरियड साइकिल को वो समझने की कोशिश कर रही है, तब उसको गड़बड़ी आ जाती है और आप घबराहट के मारे उसको लेकर इधर उधर हजारों डॉक्टर्स के पास घूमते हो। डू नॉट डू दिस एट ऑल।
मत कीजिए ऐसा, क्योंकि ऐसा करने से आपके बच्चे के भविष्य पे और उसकी छोटी सी बच्ची के स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इससे अच्छा है कि घर में बनाया हुआ कुछ आप पहले यूज़ करो। आजकल यूट्यूब पे काफ़ी सारे ड्रिंक्स ऐसे घर में बनाने वाले ड्रिंक्स दिखाई देते हैं कई चैनल्स में, कि जल्दी से पीरियड कैसे, रुका हुआ पीरियड कैसे आ जा सकता है आपका, उसको पहले ट्राई कीजिए। कुछ आयुर्वेदिक ट्राई कीजिए, लेकिन पहले ही हज़ारों डॉक्टर्स के पास, अगर डॉक्टर कंसल्टेशन करनी है तो डॉक्टर कंसल्टेशन करने पर एक फिक्स डॉक्टर के पास रहिए। हज़ारों डॉक्टर्स के पास छोटी बच्ची टीनेजर को लेकर घूमना मेरे ख्याल से सही नहीं है। और आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। ठंडिया खूब पड़ी है हमारे दुर्गापुर में, आज है मकर संक्रांति, कहीं पे है लोहड़ी, तो हैप्पी मकर संक्रांति लोहड़ी। एंड ये जो टाइम है, यहाँ कुछ ना कुछ साउथ इंडिया में भी कुछ होता रहता है, नॉर्थ में भी कुछ होता है, हमारे बंगाल में रहता है पौष पार्वण, मकर संक्रांति पौष पार्वण। तो हैप्पी फेस्टिवल टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। टिल देन के लिए बाय बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। टेक केयर, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग।